उनको तो पहले तो एक रूम में बंद करके 100 दिन पहले मारो उनको, उसके बाद फिर आगे की बात करेंगे, ठीक है। ये बदमाशी कर रहे हैं ये लोग, ये जो बड़े बड़े प्लेटफॉर्म लेकर काहे को लेकर आए हो तुम, गंदगी फैलाने के लिए? समाज को देना क्या चाहते हो? तुम तो माल कमा के निकल जाओगे। तक इसमें शिल्पा का हाथ हो सकता है, अगर है तो फिर एक बार मैं कहूँगा कि क्या करेंगे ऐसे लोगों, ऐसे पैसों का, ऐसे नाम का, कि जो आपको तो 2 करोड़ का करी देती है। आईपीएल का मतलब ही अब हो गया इनसाइड पॉर्न लीग। अच्छा हुआ राज फार्स हो गया और सबको सब पता था, कोई बचा नहीं है, सब एक दूसरे को जानते हैं, सब मिले जुले हैं और सब पैसा कमाने से मतलब रखते हैं। जनता तक क्या पहुंच रहा है, समाज तक क्या पहुंच रहा है, बच्चे बिगड़ रहे हैं, बुजुर्गों का अपमान हो रहा है, घर परिवार में क्या क्या वो दिखाते हैं, बाप रे बाप, वो क्यों दिखाते हैं? जस्ट बिकॉज ऑफ मनी। सर अभी प्लीज आ जाइए कैमरा के सामने, क्यों चल रहा है हमारे देश में जो पोर्नोग्राफी को लेके, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? सेंटर सबसे बड़े बिजनेसमैन का नाम सामने आया है राज कुंद्रा जी, क्या कहना चाहेंगे आप? भाई मैं तो अब ये समझ नहीं पा रहा हूँ कि मैं लोगों से क्या कहूँ कि राज कुंद्रा से मेरे लिंक है तो भी प्रॉब्लम है, क्योंकि कोई लिंक तो है नहीं, लिंक का तो खैर ये सवाल नहीं तो बवाल हो गए। तो मैं समझता हूँ कि ये होना ज़रूरी था, ये जो हुआ है ना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि क्या है, बड़े बड़े लोग चाहे वो वेब सीरीज में कहो, चाहे वो छोटे जहाँ भी हो, वो सेंसर ना होने का फ़ायदा बहुत उठा रहे थे। ऐसे ऐसी वेब सीरीज बना रहे थे जो आप घर में नहीं देख सकते, जैसे मैं खासकर नाम लेना चाहूँगा, मैं बहुत नफरत करता हूँ इन 3-4 लोगों से, लाइक मनोज बाजपेयी कितना ही बड़ा एक्टर होगा, कितने ही बड़े अवार्ड रिवार्ड उसका, पर उससे ज़्यादा बदतमीज आदमी, उससे ज़्यादा गिरा हुआ आदमी मैंने नहीं देखा। कि दुनिया तुमको राष्ट्रपति अवार्ड दे रहे हैं, फला अवार्ड दे रहे हैं, और कर क्या रहे हो तुम फैमिली ऑडियंस के लिए, कर क्या रहे हो? वेब सीरीज बना रहे हो, उसमें तुम ऐसी दुनिया बता रहे हो जहाँ बीवी का चक्कर कहीं और चल रहा है, तेरा कहीं और चल रहा है, माइनर बच्ची है वो कुछ और बॉयफ्रेंड की बात कर रही है, छोटा बेटा है वो कुछ अपने ये से ज़्यादा, तो ऐसी फैमिली होती है क्या ऐसी? अभी वो उसका सीजन रोक दिया कि अब देखें लोनावाले में क्या हो रहा है, खंडाला में क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, यही सब हो रहा होगा और क्या, तुमने छोड़ा ही क्या होने के लिए? ठीक है, फिर वो मिर्ज़ापुर के जितने बदतमीज़ लोग हैं, मैं उनको बहुत नफरत करता हूँ ऐसे। तो ये सारी चीज़ें जो है ना बंद होनी चाहिए। ये भी एक पॉर्न है, और पॉर्न सिर्फ दिखाने का नहीं होता, विचारों का भी पॉर्न होता है, मतलब अपने, तो ऐसी सारी चीज़ें जो समाज को समझ में नहीं आती और समाज से परे होती है, वो समझ से परे होती है। मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज़ जिसकी शुरुआत हुई है, इसको मैं देश के कानून को, पुलिस को और जिन्होंने खासकर मीडिया वालों को बहुत बधाई देता हूँ, होना ही चाहिए। जितने ऐसे गोरख धंधे चल रहे हैं, जितने ऐसे बड़े क्या बोलते हैं बड़े चेहरे और छोटा काम कर रहे हैं, नाम बड़ा दर्शन छोटे कर रहे हैं, है ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सबको सबक सिखाना चाहिए ताकि अच्छे कलाकार, अच्छी कलाकृति, यार अच्छे थिएटर, अच्छी फिल्म को थिएटर नहीं मिलते, ये बदमाशी कर रहे हैं ये लोग। वेब सीरीज़ वाले और फला वाले जो OTT प्लेटफॉर्म जो है, उनको तो पहले तो एक रूम में बंद करके 100 दिन पहले मारो उनको, उसके बाद फिर आगे की बात करेंगे, ठीक है। ये जो बड़े बड़े प्लेटफॉर्म लेकर काहे को लेकर आए हो तुम, गंदगी फैलाने के लिए? समाज को देना क्या चाहते हो? तुम तो माल कमा के निकल जाओगे। उल्लू ऐप क्यों रखा? बोले लक्ष्मी का वाहन है, यही हमें लक्ष्मी दिलवाएगा। अब लेकिन नियत तो सही रखो, है ना। तो मुझे ऐसा लगता है कि इन सारे बदमाशों का, अच्छा हुआ राज फार्स हो गया और सबको सब पता था, कोई बचा नहीं है, सब एक दूसरे को जानते हैं, सब मिले जुले हैं और सब पैसा कमाने से मतलब रखते हैं। जनता तक क्या पहुँच रहा है, समाज तक क्या पहुँच रहा है, बच्चे बिगड़ रहे हैं, बुजुर्गों का अपमान हो रहा है, घर परिवार में क्या क्या वो दिखाते हैं, बाप रे बाप, वो क्यों दिखाते हैं? जस्ट बिकॉज ऑफ मनी, पैसा कमाने के लिए, है ना, जेब भरने के लिए। तो अच्छा हुआ, मैं मीडिया को बहुत बधाई देता हूँ, पुलिस को, कानून को बहुत बधाई देता हूँ। आई लव माई हिंदुस्तान, आई लव माई इंडिया। लास्ट सवाल आपसे है कि इस वजह से शिल्पा शेट्टी को भी टारगेट किया जा रहा है राज कुंद्रा की वजह से, तो उस बारे में क्या कहना चाहेंगे, क्या ये सही है? अब मैं इसमें थोड़ा सा मैं ये कहूँगा कि कभी कभी होता भी है ऐसा कि अपने परिवार में कोई बंदा किसी कोई गलत काम कर रहा है, हमें पता नहीं, ऐसा होता है, बहुत रेयर चांसेस होते हैं। लेकिन इनका तो आपस में इतना अच्छा तारतम्य था और सब चीज़ें थी, तो पता नहीं, अगर उसको नहीं पता है इसके पीछे का शिल्पकार कौन है, ये अगर आपको नहीं पता है तो आई डोंट नो कि ये राज क्या है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर पता हो कहीं से, अगर ये वो चीज़ें, तो क्या होता कि लोगों को लगता है कि यार चलना है, चलने दो, इसकी हीरोइन, हीरो हीरोइन है,
जो बोल्ड फिल्मों में काम करते हैं वो भी समझते हैं कि यार हम बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन जब पकड़े जाते हैं तो फिर अभी जान छुड़ाते हैं। तो लेकिन मैं श्योर नहीं कह सकता कि इसमें शिल्पा का हाथ हो सकता, अगर है तो फिर एक बार मैं कहूँगा कि क्या करेंगे ऐसे लोगों, ऐसे पैसों का, ऐसे नाम का, कि जो आपको तो दो कौड़ी का करी देती है, समाज को भी आप, समाज के भी आप दोषी हो। मैं तो समझता ये एज गुड एज आतंकवाद है, जो आतंकवादी की सज़ा है वो इन्हीं की होनी चाहिए। हमारे कॉमेडी भी बहुत सारे कॉमेडियन हैं जिनको कमरे में बंद करके 100 जूते मारने चाहिए, जो बहुत ज़्यादा होशियारी कर रहे हैं, और उनका भी टाइम आएगा, उनका टाइम आएगा। कॉमेडी अंदाज में एक बार कुछ मैसेज। कॉमेडी अंदाज में बस यही कहूँगा कि भैया जो जो फॉरन फिल्में बन रही है उसमें काफ़ी लोग घबराए हुए। एक पूर्णिमा नाम एक लड़की है, वो लिखी मेरा नाम पूर्णिमा, क्लियर बोलो। आजकल पता नहीं कोई बंगाली आदमी मुझे कह रहा था तुम पौर्णिमा है ना, बोले नहीं नहीं पूर्णिमा ही हो। तो ये सब चीज़ें भी गड़बड़ हो रही है, लोगों के एडिक्शन में प्रॉब्लम हो रही है। और राज कुंद्रा जी के बारे में मैंने, मुझे बड़ी खुशी हुई थी कि जब उन्होंने शिल्पा जी से शादी की तो आईपीएल 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 का मतलब ही अब हो गया इनसाइड पॉर्न लीग है ना, राज अंदर से चल रहा है। और उसकी हीरोइन जो कह रही है, जो गहना वशिष्ठ कह रही है, मैंने कहा गहना मतलब सोना, मतलब सोने का गहना, कोई विशेष बात बोल दी क्या मैंने, कुछ गलत नहीं बोला। तो वो भी कह रही कि ये बोल्ड है, गोल्ड है। और फिर मैंने कहा तो आप सब अपनी जान छुड़ा रहे हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि बच्चन साहब ने गाना गाया था, जिसकी बीवी लंबी उसका भी बड़ा नाम है, कोठे से लगा लो सीढ़ी का क्या। अब इन्होंने सीढ़ी भी बना ली है, कोठा भी बना लिया, बीवी लंबी भी और खुद बदनाम भी हो गया है। तो बच्चन साहब के गाने को खराब करने इनका बहुत बड़ा हाथ है। सब अच्छा होना चाहिए भैया, सबका भला हो, और जो गलत है। पोस्टर अपना जो मूवी रिलीज।